मैं देखूंगी ना। भाभी आप ठीक तो है? कौन था ये? तमीज? छोड़ो ना नेहा, शायद हमारा नया नेबर होगा। चल। अरे भाभी भाभी, वो आपकी उठा रही है, वो सब मैं कर देती हूँ। अरे आपने ये बताइए ना, फोन आया? ओ नेहा, तुम दोनों भाई बहन कितने क्यूरियस हो। अरे लेकिन जब आएगा तब बता दूंगी ना। अब चलो घर चलो, उससे पहले वो सनकी ड्राइवर वापस आ जाए। चलो डोला। क्या हुआ डोला? कल तो बड़ा हंस रहे थे, आज तेरी हंसी कहाँ गायब हो गई? क्या कहा था तूने? आज तेरे पास आखिरी मौका है, लेकिन अफसोस तू कुछ नहीं कर पाएगी, ना अंश को हासिल कर पाएगी और ना ही अपनी उम्र बढ़ा पाएगी। और मैंने क्या कहा था? मोहना कभी हार नहीं मानती। तू तो मुझे वहां बांध के मरने के लिए छोड़ के चली आई थी, लेकिन देख अभी तक मैं जिंदा हूं। कितनी भोली है तू छुटकी, तुझे ये नहीं पता तू जिंदा तो है, लेकिन तेरी ये जिंदगी सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। 4 दिन की चांदनी नहीं, 400 साल। क्योंकि अब मैं सिर्फ एक कायन नहीं, सर्पिका भी हूं। वाह, तू भी ना छुटकी जरा सी बात पे उड़ने लगती है। मैंने कहा था ना, मौत को कोई नहीं हरा सकता। तुझे क्या लगता है तू सर्पिका की शक्तियां पाकर मौत को टाल लेगी? तेरी मौत कब, कहां और किसके हाथों लिखी है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूं, क्योंकि मेरे पास तेरी डायन कुंडली है जो माने मुझे सौंपी थी। अपनी कुंडली देखना चाहेगी? क्या हुआ, सर्पिका को सांप सूंघ गया क्या? चलो कोई बात नहीं, तू मेरी छोटी बहन जो है, इतना एहसान तो कर ही सकती हूँ तेरे पर। तुझे बता ही देती हूँ कि तेरी कुंडली में क्या लिखा है। से देख छुटकी, तेरी कुंडली में तेरी मौत का राज छुपा हुआ है। तो ये सोचकर खुश हो रही थी ना कि सर्पिका की शक्तियां पाकर तेरी उम्र 4 गुना बढ़ गई है, लेकिन तेरी कुंडली में साफ साफ लिखा है कि तेरी मौत तेरे किसी अपने के हाथों ही होगी। तेरा अपना खून ही तुझे मारेगा, तेरा अंत तेरे बेटे की संतान के हाथों होगा। अंश की संतान ही तेरा काल बन के आएगी। पिया क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना? कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? या बताओ ना, क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ भाभी, सेना। भाभी बस हो गई एक्साइटमेंट, बताइए ना। हाँ भाभी, वो डॉक्टर ने कहा मैं, अरे क्या बकरी की तरह मैं किए जा रही है, बोल ना। सजना
तुम लोग आपस में ही बातें करते रहोगे कि हमें भी बताओगे कि हुआ क्या है? मुबारक हो मां, घर में नया मेहमान आ रहा है। अरे वाह! ये लो, स्पीकर पर डाल दिया, सावी भी सुन रही है। बोलो अब क्या बोलना। हेलो बाबा। हाँ? आप नाना बनने वाले हैं। गुड़िया, तुम नहीं जानती तुमने ये कहकर मुझे कितनी खुशी दी। पिछले कुछ दिनों में तुमने और अंश ने न जाने कितने इम्तिहान दिए, लेकिन अब और कोई इम्तिहान नहीं, कोई मुश्किल नहीं। अब तुम दोनों की जिंदगी में सिर्फ खुशियां होंगी बेटा। दी, ये तो सबसे बिगेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट न्यूज़ है। लेकिन गुड़िया बेटा, आई एम रियली सॉरी, ऐसे वक्त में मुझे तुम दोनों के साथ होना चाहिए, और कि मुझे इस रिसर्च के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। या नीचे पंडित जी बुला रहे हैं। जी माँ, बस बाबा से बात कर रही हूँ, जल्दी आ जा। जी हेलो बाबा, मैं अभी फोन रखती हूँ। और आप जल्दी जाइए और जल्दी वापस आ जाइए। ओके बेटा। मैंने तो डिसाइड कर लिया कि आपका होने वाला बेबी मुझे बुआ नहीं बुलाएगा। आई मीन बुआ इज टू ओल्ड एंड आई एम सो यंग। ब्रेंडन भाई, वैसे बेबीज के मुंह से जो फर्स्ट वर्ड निकलते हैं ना, वो या तो माँ होते हैं या पापा, लेकिन तेरे बेबी के मुंह से फर्स्ट वर्ड कौन से निकलेंगे? पंडित जी, बहुत बड़ी खुशी आने वाली है हमारे घर में, हमें कुछ खास करना चाहिए ना, उपवास करना चाहिए। भाभी आप भी ना, मैं लड्डू बनाने की सोच रही हूँ और आप उपवास करने की बात कर रही है। चैताली, उपवास नहीं, खास खास करना चाहिए। खास मतलब सेलिब्रेशन। चैताली जिसमें सब लोग आए, दोस्त रिश्तेदार सब लोग। अरे सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं अविनाश, इस खुशखबरी को तो पूरी दुनिया में धूमधाम से बताना चाहिए। आखिर लोगों को पता चले कि शेखर राठौड़ के परिवार का नया अंश आने वाला है। उत्सव अवश्य मनाइएगा शेखर जी, परंतु कुछ दिनों के बाद, और आज रात तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों पंडित जी? क्योंकि अभी रक्त चंद्र का प्रभाव शेष है, अब हमें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जब तक रक्त चंद्र का प्रभाव रहेगा पिया को लग सकती है नजर। नजर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पंडित जी। पिया तुम रुको, मैं अभी तुम्हारी नजर उतार देती हूँ। पंडित जी, अब किसकी नजर लगेगी? अब तो सब ठीक है ना, और मोना भी खत्म हो चुकी है।
नहीं ये नहीं हो सकता। पंडित जी ये कैसे हो सकता, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है ना। मेरे राज के साथ बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। आप परेशान मत होइए, अब शोर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं जान से पंडित जी, अब हम क्या करेंगे? परेशान मत होइए, यदि संकट है तो उसका समाधान भी है। ऋषि जी हमें एक विशेष पूजा करनी होगी और घर पर हवन कराना होगा। बस इतना करने से आज रात पिया पर नजर लगने का खतरा टल जाएगा। तो पंडित जी शुभ काम में देर किस बात की, सुभाष से शीघ्र। हाँ पंडित जी जल्दी से मंदिर चलते हैं। हाँ मैं भी रेडी होके आती हूँ। नहीं पिया, तुम्हारा बाहर जाना उचित नहीं है। बेटा तुम घर में ही सुरक्षित रहोगे। पंडित जी मैं पिया के साथ रुक जाता हूँ। हाँ। नहीं नहीं तुम्हें तो हमारे साथ मंदिर चलना है और वहां पर अपने ही हाथों से प्रसाद चढ़ाना है। तुम पिया की चिंता मत करो, जब तक वो घर पर है वो सुरक्षित है। हमारी अनुपस्थिति में पिया बेटा आपको तीन चीजों से सावधान रहना होगा। कौन सी तीन चीज पंडित जी? पहला, किसी भी कीमत पर पानी के संपर्क में नहीं आना होगा। दूसरी बात, बरगद के पेड़ और उसके पत्तों से दूर रहना। और तीसरी और सबसे जरूरी बात यह है, डायन के साए से भी दूर रहना।